हेलो बच्चों, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने आपको अभी तक तीन लॉ बताए और एक हेस्टर लॉ बताया। पहला लॉ बताया हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विद द बेस्ट एग्जांपल दैट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी बुक लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बताया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तीसरा बताया हमने आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और चौथा लॉ, जो चौथा लॉ तो नहीं है बुक में नहीं है, लेकिन वो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जिसको हेस्टर लॉ भी बोलते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है वो, नीट और आईआईटी जेई करेगा। अब हम आपको चौथा लॉ बताते हैं, गे लूसेक लॉ। गे लूसेक लॉ क्या कहता है? गे लूसेक लॉ ये चौथा लॉ है। इससे पहले वाले लॉ जो हमने आपको बताए थे, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, वो हमारी क्या थी? हैशटैग लॉ थी। ठीक, एनसीईआरटी में वो लॉ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट लॉ था, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। गे लूसेक लॉ कहता है देन गैसेस रिएक्ट दे डू इन वॉल्यूम बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू डी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ गैसेज। कहता है व्हेन गैसेज रिएक्ट दे डू इन वॉल्यूम विच बियर्स आर स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ गैसेस। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब हम एग्जांपल से समझते हैं। कहता है कि जब गैस रिएक्ट करेगा तो दे डू इन वॉल्यूम विच बियर्स आर स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड एंड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड इफ गैसेज। यहां तक कोई डाउट? अच्छे से समझ में आई बात? नहीं आई समझ? तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसे एग्जाम्पल देकर समझाते हैं आपको। हमारे पास मान लेते हैं H2 है और Cl2 है, ये फॉर्म करती है HCl। तो पहले इसे बैलेंस कर देते हैं, 2H है 2Cl है तो ये 2 हो गई। हमने बोला यहां पे क्या हो गई? 1। यहां हो गई 1। हमने बोला कि हमारे पास H2 जो है वो 40 ml है, तो बताइए ये भी गैस है और ये भी गैस है। कहता है इफ गैसेज रियल they do in volume which bears a small whole number ratio to one another and the volume of the product formed if gas है। तो ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। अब देखो ये 40 ml हमने दे दिया आपको, तो ये कितनी है? 1 volume है। क्यों? क्योंकि 1H2 है। ये भी क्या है? 1 volume है। लेकिन HCl क्या है? 2 volume है। तो अगर ये 40 ml है तो ये भी 1 volume 40 ml और ये 2 volume 80 ml। आई बात समझ लो या नहीं है? आइए समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देके समझाते हैं। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल है हमारे पास, कहता है क्वेश्चन में व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन क्या होती है? CH4। व्हेन 100 ml ऑफ मीथेन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वॉटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड। क्वेश्चन का मतलब समझ में आया? कहता है हमारे पास कि व्हेन 100 ml ऑफ CH4 बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। ठीक, ये क्वेश्चन समझ गया? तो इस क्वेश्चन में कहता है कि जब 100 ml CH4 बर्न करता है, कहां पे बताते हैं? गे लूसेक लॉ। आपने ये लाइन लिख ली होगी, इस लाइन को मिटे इरेज कर देते हैं, लेकिन लॉ को इरेज नहीं करते। तो कहता है CH4 जब बर्न करती है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ये CO2 और H2O बनाती है। और हमने क्या बोला? द प्रोडक्ट फॉर्म,
वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम इफ गैसेज, तो ये तो लीटर है, लिक्विड है, तो इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ये गैस है, ये गैस है और ये गैस है, इन सब की वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो पहले बैलेंस कर लेते हैं, C8 H4 यहां 2 है, तो यहां 2 डाल देंगे, 2 2 4 O2 और यहां क्या है 2 और 2 4, तो यहां भी डाल देंगे, कोई डाउट? समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? देखो O क्या थी, 4। बैलेंस, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑलरेडी हमने अपने प्ले लिस्ट में डाल दिया है, फ्री लर्नर के, या फिर आप सर्च कर लेना हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखिए तो O4 यहां 2 और 2 4, C1 H4 अब बैलेंस हो गए। हमारे पास कितने ml थी CH4? 100 ml। बैलेंस करने के बाद ये क्या है हमारे पास, 1 वॉल्यूम, ये क्या है 2 वॉल्यूम, और ये क्या है हमारे पास 1 वॉल्यूम। तो अगर ये 100 ml है तो ये कितनी हो जाएगी 2 वॉल्यूम, 200 ml, और ये कितनी हो जाएगी 100 ml। यानी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज हाउ मच 200 ml एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इज व्हाट 100 ml निकाल लिया, और ये हमारी लिक्विड थी तो इसका हम निकाल नहीं सकते थे। आई बात समझ में? नहीं आई। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कहता है व्हेन गैसेस रिएक्ट दे डू इन वॉल्यूम व्हिच बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर एंड द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मड इफ गैसेज। तो गैसेज निकाल सकते हैं वॉल्यूम बैलेंस करके, जितनी 1 यूनिट, यहां 1 थी तो 100 था, दी गिवन था ये 100 ml, तो ये 2 वॉल्यूम है तो 200 ml, ये 1 है यहां तो 1 वॉल्यूम 100 ml। ठीक, एक और एग्जांपल अच्छा सा लेते हैं। अब मान लेते हैं एक एग्जांपल हमने ले लिया N2 plus H2 फॉर्म NH3। हमने बोला ये भी 60 ml है, ये भी 60 ml है, बताइए ये कितनी होगी। ठीक, तो देखिए तो पहले से बैलेंस करते हैं, N2 यहां 1 है तो ये 2 हो गई, ये 6 हो गए तो यहां 3 हो गए। ठीक, अब ये है 1 वॉल्यूम, ये है 3 वॉल्यूम, और ये क्या है 2 वॉल्यूम। अगर ये 60 ml है तो ये कितना चाहिए 180 ml, लेकिन हमारे पास टोटल है कितनी मात्र 60 ml, तो ये वाली फॉलो नहीं करेंगे, अब उल्टा चलेंगे इसमें। ये 3 वॉल्यूम है 60 ml तो ये 1 वॉल्यूम, तो 60 by 3 1 वॉल्यूम चाहिए, 60 का 1 वॉल्यूम तो 20 ml। अब ये है 2 वॉल्यूम तो 20, ये 1 वॉल्यूम का 20 ml, 2 वॉल्यूम का 40 ml। लॉजिक समझे या नहीं समझे? अगर हम ऐसे चलते तो 60 होते, तो ये 3 वॉल्यूम 180, लेकिन हमारे पास क्या है 60 ml है, तो सिर्फ 60 ml तो 180 ml कहां से लाएंगे? तो उल्टा चलते, जो ज्यादा वॉल्यूम थी वहां से लेके चला, तो ये 60 ml है तो यहां पे क्या हो जाएगी 1 वॉल्यूम यानी 20 ml और प्रोडक्ट फॉर्म इज 40 ml। तो यानी हमारे पास अनरिएक्टिव N2 कितना बच गया, 60 ml में 20 ml यूज किया तो 40 ml अनरिएक्टिव रह गया, ऐसे ही बच गया हमारे पास। ये समझ में आया नहीं आया? ये था हमारा गे-लुसेट लॉ। तो ये हमारा चौथा लॉ खत्म होता है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इसका पांचवा लॉ और लास्ट लॉ होगा।